सुरेंद्र जी, आज जो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर पिशाचार चल रहा है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जय भीम सर, सबसे पहले धन्यवाद एसएम न्यूज का कि उन्होंने इस मुद्दे पर बात करी। मैं बात बताना चाहूँगा कि कंटिन्यूस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर जो पिशाचार फैला हुआ है उसके लिए हम आए हैं। पूरी लड़ाई हम तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, चाहे संजली का इशू हो, पायल तड़वी का इशू हो, मीनाक्षी का इशू हो, या और जो कई हमारे समाज की लड़कियां, जैसे तरवेज हो, अखलास हो, इनकी लड़ाई हम लड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें बदलती हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन आंदोलन हमारे नहीं बदलते। हमें हर हफ्ते हर महीने एक नए नाम के साथ, एक नए चेहरे के साथ हम आते हैं मैदान में, उनके लिए कैंडल लगाते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। आखिर कब तक ये होता रहेगा और कब तक हम इन आंदोलन करते रहेंगे? ये समाज, ये पिछले कई सालों से देखा गया है, एक सरकार आती है 2014 में जो कहती है सबका साथ सबका विकास, साथ सबका लेती है लेकिन विकास तो भूल जाइए, उनके विश्वास को तोड़ती है, आपसी उनके वैमनस्य बढ़ाती है और लोगों का जो एक आपसी भाईचारा था, भातृत्व है, उसे खत्म करने की कोशिश करती है। इन देखिए पिछले 5 सालों के अंदर और वर्तमान समय में फिर से इनकी सरकार आ गई है, इन्होंने एक डर का माहौल तैयार कर दिया है देश के अंदर। यहाँ आपसी विश्वास खत्म हो गया है, यहाँ लोगों को डरता है कि उसके सामने अपने दिल की बात कहें नहीं कहें, कहीं वो हमारी बात को किस एंगल से ले लेगा। तो ऐसा किस में हो रहा है जो कहता है कि मुझे पूरा देश का समर्थन मिला है? अरे देश का समर्थन मिलता है तो देश की जनता को, जनता का आप पर तो विश्वास होना चाहिए। आज देश की जनता डरी हुई है। हम मैं देखते हैं आज यहाँ पे स्टेज पे देखिए बहुत सारे नाम लिखे हुए, एक महीने सिलसिलेवार क्रम संख्या है कि वहाँ पर उसकी हत्या हो गई, वहाँ पर उसके जौनपुर में उसकी हत्या हो गई, प्रतापगढ़ में उसकी गई, बिहार के अंदर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली के अंदर, आगरा के अंदर, प्रदेश, तो ऐसे अलग अलग नाम हैं, बदलते जा रहे हैं, लेकिन एक सिलसिलेवार देखिए इसी में हमारे जो बहुजन के व्यक्तियों को वो आगे करते हैं लड़ाई लड़ने के लिए और मरने पीटने, आपस में टकराने के लिए हमारे व्यक्तियों को रखते हैं। इनकी कोशिश है कि समाज बटा रहे और कटा रहे, ये आपस में काटने के लिए लगे हुए हैं और बांटने के लिए लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इन सब का एक ही जवाब है, वह है बाबा साहब द्वारा निर्मित भारतीय संविधान। आरएसएस के बहुत सारे संगठन हैं वो फिर भी एकजुट हैं, लेकिन बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं वो अपने आप में कार्य, अपनी रणनीति करते हैं, उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? देखिए मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, वो 15% जो कह वो दिखावे के नहीं, वो 15% वास्तव में एकजुट हैं। हम कहने को तो 85%, लेकिन हम एकजुट बिल्कुल नहीं है और यही हमारी कमजोरी है। उन्होंने हमें SC ST OBC को 6000 जातियों में बांट रखा है और हम आपस में बट गए। हमें उस जातियों के अंदर भी हमें अपने आप को श्रेष्ठ और अपने से हमें एक नीचे उपजाति ढूंढ लेते हैं, तो ये हमारी कमियाँ हैं। अगर हम जो बाबा साहब क्या थे, बाबा साहब ने SC ST OBC बना के आपके एक संख्या 3 जातियां बनाई थी, हजारों को 6000 को करके 3 जातियों में जोड़ दिया था और उन तीनों जातियों और अल्पसंख्यकों को मिला के मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज का निर्माण किया था। तो हमें लगता है अगर हम 85% को एक बहुजन समाज की फीलिंग राजनीतिक के तो द्वारा एक सामाजिक और उसको कल्चर में अपने व्यवहार में उतार लेंगे तो मुझे लगता है जो ये मनुवाद है ये टिक नहीं पाएगा। हमें ज़रूरत है उस संस्कार को, उस संस्कृति को अपने मन के अंदर डालने की। अगर हम उसे जो 85% को बहुजन संस्कृति को अगर हम अपने के व्यवहारिक तौर पर नहीं उतारेंगे तो ये हरकतें होती रहेंगी, फिर कोई नया चेहरा आएगा, फिर हम किसी कैंडल लेके आएंगे, ये चीज़ें बढ़ती रहेगी। और मुझे लगता है इन सबका एक ही जवाब है, हमें जो 85% है उन्हें वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से एक होना पड़ेगा और भारतीय संविधान पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।